कोरोना की डरावनी महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था, लेकिन देश भर में कोरोना के बढ़ते केस ने लोगों में भय पैदा कर दिया है। महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन कोरोना के केस में उछाल दर्ज किया जा रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में 63% उछाल दर्ज किया गया है। आज यानी गुरुवार को यहां 694 कोविड मामले सामने आए, जबकि बुधवार को जहां 483 मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन राहत की बात यह है कि कोविड 19 से किसी के मरने की कोई खबर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में अभी कोरोना के 3016 सक्रिय मामले हैं। वहीं मंत्रालय ने बताया है कि 27 अक्टूबर को 972 मामलों के साथ इस तरह के उच्च कोरोना केस दर्ज किए गए थे। 4 हफ्ते पहले राज्य में कोरोना के सकारात्मकता दर मात्र 1.05% थी, लेकिन 22 से 28 मार्च के बीच ये बढ़कर 6.15% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार को कोरोना के नए अपडेट जारी करते हुए बताया कि देश में 3016 ताजा कोरोना वायरस मामलों के साथ एक दिन में इसकी वृद्धि देखी गई है, जो लगभग 6 महीने सबसे अधिक है, जबकि देश में इसके सक्रिय मामले बढ़कर 13,509 हो गए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।